तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ होने वाली है पूरी गेमिंग कम्युनिटी से। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। हमारी इस वीडियो के लिए जो गोल होने वाला है वो 300 सब्सक्राइबर का गोल होने वाला है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम बढ़ते अपनी न्यूज़ की तरफ। तो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है हाइड्रा लाइनअप की तरफ से। तो जो हाइड्रा डेंजर थे उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पर बात की जो हाइड्रा की लाइनअप है वो क्यों इतना डिले हो रही है और अनाउंसमेंट इतनी लेट क्यों हो रही है। तो उसी के ऊपर उन्होंने क्या क्या बोला वो आप देख सकते हैं। कब आएगा आईजेल? अरे आईजेल तो आ गया, सेट करना है बस। अरे भाई टाइम लगेगा भाई, तुम लोग इसे जल्दीबाजी मत करो, चूता चूते लेना पड़ जाएगी। रुको ना भाई, आराम करो ना, तुम लोग करेंगे ना। विश्वजीत लेना बनाने के लिए भी उनको कितना टाइम लगी? अभी अभी हाइड्रा अभी अभी एंटर किया ना स्पोर्ट्स में। रुको थोड़ा टाइम, सब्र करो। सोल के फैंस भी ऐसे बेंच पे इतने कम ये करते लगते हैं क्या? वो लोग भी तो सब वेट किया ना, उनके लाइन पे सपोर्ट किया बैकडोर भाई। जब जो कोर की जब क्या बोलते हैं खराब दिन चलती है ना, तब सपोर्ट करना है भाई सपोर्टर्स। जब बेंचो खेलता है ना सब हर बंदे बोलते हैं ओपी ओपी, जब अच्छा नहीं खेलना तब सपोर्ट करने वाले को बोलते हैं ट्रू सपोर्टर्स। ओपी बोलना क्या भाई, अभी मैं वनी फोर जाके बोलता ना मेरे हेटर भी ओपी लिखता है मेरे। तो जो हाइड्रा डेंजर का कहना था कि जो हाइड्रा की लाइनअप है वो काफ़ी टाइम ले रही है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं और बहुत सारे और से हम प्लेयर के ट्रायआउट्स भी ले रहे हैं। और उन्हें बताया कि हमने अभी एक नया आईजीएल भी चूज़ किया है तो उसके लिए अभी डिले हो रहा है, तो यही सब होने वाला है। तो देखते हैं क्या होने वाला है फाइनल हाइड्रा का लाइनअप। मुझे तो पर्सनली काफ़ी प्रोमिसिंग लाइनअप लग रही है हाइड्रा की ये वाली, तो देखते हैं क्या होने वाला है हाइड्रा का ईस्पोर्ट्स में। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो आ रही है ओवेस की तरफ से। तो मेजी अपनी लाइव स्ट्रीम पे आए थे और उन्होंने बताया था ओवेस की ऑर्ग के बारे में। तो उन्होंने बोला था कि जो ओवेस और मैक्सकास है उनकी ऑर्ग में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बाकी दो प्लेयर का जो मिलना है वो अभी बाकी है। तो उसी की वाली क्लिप आप देख सकते हैं। बता रहा हूँ तुमको, हाँ टीम फॉरएवर का बता रहा था, ओवेस एंड मैक्सकास जस्ट दो प्लेयर जो अभी फिक्स हैं, ठीक है। बाकी के जो दो प्लेयर हैं वो अभी फिक्स नहीं है, दो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बाकी दो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब वो दो प्लेयर टीम फॉरएवर के तो नहीं है, मतलब जो पहले हुआ करते थे, अब वो दो प्लेयर कहीं और से हैं। कहां से हैं, कैसे हैं वो हमें पता है पर अभी नहीं बता रहे, वो वेट कर ले थोड़ा सा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो वो निकल के आ रही है सोल की तरफ से। तो आपको तो पता ही होगा जो सोल के ई स्पोर्ट्स लाइनअप है उन्होंने अपने डीपी चेंज कर लिया है और उसमें लिखा है #SoulBleedsBlue। तो इसी के ऊपर थग भाई ने अपने लाइव स्ट्रीम पर बात की थी, तो वो उनकी वाली क्लिप देख सकते हैं कि क्या राज है इसका। Soul Bleed Blue क्या है? Soul Bleed Blue is that our Soul Boys are starting streaming very soon on Facebook, no, on Loco, no। अमन का क्या सीन है भाई? टीम में नया कोच आ गया अमित दुबे, he is handling, that's it, कोई सीन नहीं है भाई। अमन ने जो टीम के लिए किया वो इट्स irreplaceable, he helped build this team, पर प्लेयर्स का कंफर्ट का बात होता है। एंड अमन को भाई पूरा उसका भी करियर है अपना खुद का, he also has to stream भाई, टीम को टाइम एक डेडिकेटेड कोच चाहिए। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है हमारी मायावी और सोल के ऊपर। तो जो आपको तो पता ही होगा कि कुछ टाइम पहले मायावी और सोल के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी, तो उसी के ऊपर जो मायावी ने आज रिप्लाई किया था कि क्या सीन था पूरा, तो उनकी वाली क्लिप भी आप देख सकते हैं। कुछ नहीं है भैया, खुल के बोल, एक दिन खुल के बोल रहा था, अपनी ही टीम से रिलेटेड कुछ एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से बात कर रहा था, खुल के बोल रहा था उस दिन भी। और जब खुल के बोल रहा था कि भाई अगर टीम सोल होती तो क्या आप रीमैच करते, सिर्फ इतनी सी लाइन मैंने बोली थी, उसमें इतनी गंदी गंदी गालियां पड़ी हैं ना भाई, इतनी गंदी गालियां पड़ी हैं, लिमिट नहीं थी उस दिन की। तो सोल को इतना हेट क्यों, क्या बिगाड़ा है? मैं पूछता हूँ जो जो ये चीज़ पूछ रहे हो आप लोग, मैंने जो भी मेरा सोल वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद किसी से ना कोई बात करी ना कुछ करा, मैं पूछता हूँ सोल के फैंस जो चैट सेक्शन में हैं कि क्या मैंने बिगाड़ा है, मैंने ऐसा बोला ही क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगा के खुद सुनो उसको कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी हुआ है, कुछ भी बोला है, बवाल बना दिया फालतू में उस चीज़ का, ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के बात को मुझे दबाने की कोशिश थी और कुछ नहीं था, मैंने कुछ भी ऐसा कुछ बहुत गलत नहीं बोला। पहले दो जोन है ना,
उसके दो पॉइंट पर किल, तो सोच कितना बेनिफिट है भाई, चार मतलब चार मार दी तो 8 पॉइंट वहीं से आगे एक टीम के, मतलब तुमने हाँ अरे चिकन के पॉइंट है 10 ठीक है फर्स्ट पोजिशन के, और सेकंड पोजिशन के 6 पॉइंट 6-8 पॉइंट ऐसा सीन है। और तो बस यार आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा 300 सब्सक्राइबर का जो गोल है वो पूरा करवा दो, तब तक के लिए ओके बाय।